हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक नया सेशन लेके आ रहा हूँ गणित के वायरल प्रश्नों का हल। जो भी प्रश्न व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हैं और कंपटीशन से रिलेटेड हैं, हम उन सारे प्रश्नों का हल लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज का नाम हमने दिया है गणित के वायरल प्रश्नों का हल। चलिए देखते हैं जरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें पी बिंदु ए बी पर लाई कर रहा है और पी डी को मिलाया गया है, और जो पी बी है वो ए बी का 1/4 है, और जो इससे एक इसके अंदर एक इनर सर्किल बनाया गया है जो पी डी सी डी और सी बी भुजा को टच करता है इंटरनली। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ए बी सी डी की साइड बतानी है। देखते हैं जरा प्रश्न आपको समझ में आ गया। सिंपल सा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है जिसमें पी बी बराबर ए बी बाई 4 दिया गया है और रेडियस जो है इस सर्किल की 4 दी गई। ओके, तो अब इसकी साइड बतानी स्क्वायर की। चलिए देखते हैं कैसे आएगा इसका सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इस जो लाइन दी गई है डी पी, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। डी पी को आगे एक्सटेंड कर दिया हमने क्यू तक, और ऐसे ही सी बी को आगे एक्सटेंड कर दिया क्यू तक। तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है डी सी क्यू, डी सी क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपने कहा एक और छोटा ट्रायंगल भी बन गया है, कौन सा, आपने कहा पी बी, पी बी क्यू, ये पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल बन गए। अब अगर इन ट्रायंगल में देखा जाए तो आपने कहा सिंपल सा आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों कोण 90 होंगे, है ना, दोनों ट्रायंगल में 90 90। ये कोण कॉमन एंगल है दोनों में, ये कॉमन एंगल है, आपने कहा अल्फा मान लो, तो जो अल्फा है वो आपके बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन रहेगा। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण कॉमन बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये कोण आपका जो है वो बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लो हमने इसको एक्स नाम दे दिया, ये भी एक्स हो गया। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएगी। क्योंकि किसी भी दो त्रिभुज के अगर एंगल बराबर होते हैं तो वो सिमिलर कहलाते हैं, और वहाँ पर सिमिलरिटी लग जाती। सिमिलरिटी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो देखते हैं जरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम बराबर करते हैं। तो हमने कहा अगर अगर हम यहाँ से सिंपल सा ये जो आपका कॉमन एंगल है इसके सामने की भुजा ले लें, इसके सामने की भुजा छोटे वाले ट्रायंगल में लिया तो क्या आ गई, पी बी, पी बी डिवाइड बाई, आपने कहा बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो कौन सी आएगी, डी सी। तो पी बी डिवाइड बाई डी सी अब बराबर कर रहे हैं। आपने कहा ये एंगल एक्स था, तो हमने कहा इस एक्स को यहाँ भी था एक्स और यहाँ भी था एक्स, तो एक्स के सामने भुजा लेते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लिए तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी आ गई, आपने कहा क्यू बी। तो क्यू बी है ना अपॉन में बड़े, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की क्या हो गई, क्यू सी। तो आपने क्यू सी लिख दिया, पी बी डिवाइड बाई डी सी इक्वल्स टू बी क्यू डिवाइड बाई सी क्यू आ गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपने कहा ये सिमिलरिटी लगाने के बाद में आपको एक बात और रिलाइज हुई कि यहाँ पे दे रखा था जो पी बी है ये ए बी, ए बी का 1/4, इसका मतलब ये एक रेशियो होगा तो बाकी बचा पार्ट कितना होगा, 3 रेशियो होगा। बाकी बचा पार्ट कितना होगा, 3 रेशियो होगा, और ये पूरा मान क्या होगा, 4 रेशियो होगा। पूरा कितना होगा, आपने कहा 4 रेशियो होगा। अब यहाँ से, अब अगर हम यहाँ से एक बात ये कंफर्म कर दें कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, इसका मतलब ये जो मान है ये भी कितना होगा, 4 रेशियो होगा। कितना होगा, 4 रेशियो होगा, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है। तो यहां से हम एक चीज कंफर्म हो गई, इसको देख लेते हैं। हमें यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि जो पी बी है और ये सी डी है, इनका अनुपात कितना होगा, 1/4 होगा, 1/4 हो गया। अब हम देख लेते हैं जरा आगे देखते हैं। तो अब हमने, आपने कहा ये 1/4 हम अगर यहाँ पे रख दें जाके, पी बी और डी सी का मान 1/4 अगर हम यहाँ पे रख दें, अगर ये हमने 1/4 रख दिया तो हमें पता चल गया कि जो बी क्यू है, बी क्यू और ये पूरा सी क्यू, इसका भी रेशियो 1/4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, हमने कहा इसका यूज ऐसे करना है कि अगर ये 1 रेशियो है, ये पूरा 4 रेशियो है, तो ये बाकी बचा पार्ट कितना होगा, 3 रेशियो हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया कि बी क्यू अनुपात सी बी जो है वो आपका हो जाएगा 1:3, 1:3। इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, आगे फिगर में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया एक वेरिएबल के टर्म में। हमने कहा अगर ये आपका जो बी क्यू है ये के रेशियो हो, के हो, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आपने कहा ये बी सी जो है वो 3 के हो जाएगा।
अब ये 3K हो गया, ये K हो गया, तो पूरा मान कितना होगा, 4K हो गया। अब आगे देखते हैं, ये वाली साइड हमारी कितनी हो गई, 3K, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड 3K है, ये 3K है, तो ये भी कितना होगा, 3K हो गया। ओके, अब हमें यहाँ से पता चल गया ये 3K हो गया। अब हम अगला देखते हैं, अब हमें एक चीज़ पता कन्फर्म हो गई है कि ये ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे ये 4K के बराबर है और ये 3K के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली साइड निकाल लेंगे। इसकी साइड की निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस डिजिट लगा दे रहे हैं, तो ये 3K 4K का ट्रिपलेट आएगा 5K। ओके, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये जो आपका डी क्यू है, ये जो डी क्यू है, ये आपका मान 5K हो जाएगा। अब 5K हो गया। अब हम अगला देखते हैं, अब हमारे यहाँ से एक फिगर क्लियर हो गई, एक फिगर ये क्लियर हो गई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जहाँ पे ये 4K है और ये 3K है और ये 5K है। क्लियर। इसमें एक आपने कहा एक सर्किल बन रहा है, इनर सर्किल बन रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 दी गई है। तो अब अगर हम इनर रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दें राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो इनर रेडियस होती वो सिंपल सी होती, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, जहाँ पे ए आधार को, बी इसके परपेंडिकुलर को, सी इसके कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आधार प्लस का लंब माइनस कर्ण और बटे दो, ये क्या हो जाती है, इनर रेडियस हो जाती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हमने यही मान रख दिया, आपने कहा आधार का मान आया 3K, कर्ण का मान आया 4K और लंब का मान आया 5K, और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये इनर रेडियस जो दिया गया था मान 4, उसके बराबर कर दिया हमने। जब इसको बराबर किया तो हमने यहाँ पे जब सॉल्यूशन किया तो ये मान आया 3 और 4, 7 में से 2 गया, कितना 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, और 2/2 कितना आ गया, K। तो आपने कहा ये K आ गया, K बराबर कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ से। अब हमें एक बात समझ में आ गई, K का मान 4 आ गया, तो अगर हमें साइड बतानी है स्क्वायर की, तो साइड स्क्वायर की कितनी है, आपने कहा 3K, तो साइड जो है स्क्वायर की वो 3K है, तो हम K का मान रख देंगे यहाँ पे, K का मान रख दिया आपने 4, तो आपका जो साइड आ गया 3 × 4 कितना आ गया, 12, तो आपका जो साइड आ गया वो 12 यूनिट हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने देखा बहुत आसान इसका सोल्यूशन था, बस सिमिलरिटी लगानी थी। तो जो भी वायरल क्वेश्चन आपके सोशल मीडिया पे घूमते हैं, वो जरूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो। ओके, देखने में वो बहुत कठिन लगते हैं, बस इसीलिए वो वायरल रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये सीरीज कंटिन्यू की जाए, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये सीरीज आगे कंटिन्यू की जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे इसकी रीच ज़्यादा हो और मुझे प्रोत्साहन मिले ऐसे वीडियो को बनाने में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।